जाना है हमने। कितना किलोमीटर होगा भैया? इधर किलोमीटर है आधा घंटा। The stone is used to build a Ram bridge there. Ram Setu chhus. जय श्री राम। तो आज का ब्लॉग बनने वाला है काफी स्पिरिचुअल ब्लॉग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हम्पी में, जहां स्थित है हनुमान जी के बर्थ प्लेस। तो वहां उस मंदिर में जाएंगे, और उस मंदिर में एक इंटरेस्टिंग थिंग ये भी है कि वहां पे एक पत्थर है जो राम सेतु को बनाया गया था उस टाइम, जो पानी में नहीं डूबता, आपने कहानी सुना होगा। तो वहां उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ले जाएंगे आज आपको हनुमान जी के बर्थ प्लेस में, और हम्पी में एक छोटी सी जगह पे है, लेकिन वो अभी जो शब्द है, जो उस जगह का नाम, वो मेरे से बोला नहीं जा रहा है, काफ़ी मुश्किल है। तो ले चलते हैं सीधा वहीं, तो दिखाते हैं। हम वहाँ से यहाँ पे फेरी लेंगे, तो वाटर को क्रॉस करेंगे, रिवर को क्रॉस करके जाएंगे। सो पीपल आर डूइंग सम पूजा हियर, यू कैन सी देयर इज शिवलिंगम एंड फैमिलीज आर गैदरिंग फॉर टेक पिक्चर्स। तो काफ़ी मज़ेदार आएगा। बोट क्रॉस करके जा रहे हैं, तो वहाँ से वहाँ पर क्रॉस करना है, और हनुमान जी का फ्लैग यहीं पे जाना है हमने, हनुमान टेम्पल। और भाई पीछे बैठे हैं, बता रहे हैं कि 5:30 इज़ द लास्ट टाइम टू कमिंग बैक, सो आई गेस इट्स इनफ टाइम, हम जल्दी आ जाएंगे। ओके, अरे रेडी हमें चलाने के लिए, रेडी अब आने वाला किनारा और पहुँचेंगे। निकालनी है अपनी BMW गोइंग टू लैंड देयर, देन वी गोइंग टू राइड फ्रॉम देयर टू द हाईवे। तो आप ये जो देख रहे हैं पीछे बिहाइंड इतना भी तोड़ा हुआ, ये सब पहले मशहूर था हिपी आइलैंड के नाम से, लोग बोट क्रॉस करके यहाँ पे आते थे, और यहाँ आइलैंड मतलब इजरायली और हिपी लोग यहीं पे बैठते थे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट और फास्ट फूड शॉप बना हुआ था। तो ये सब फूड अभी गवर्नमेंट ने डिमोनाइज किए हुए, सब डिस्ट्रॉय किए हुए। तो ये है हिपी आइलैंड फिलहाल। तो कहानी उस इस तरह का ट्विस्ट हो गया है, अभी हम लोग बोट से उतरे थे, और मेरे भाई को चढ़ा जोश, तो साइकिल बैटरी स्टार्ट करके फुल ऑन चढ़ाई पे चढ़ा दी उसने, और मैंने धक्का दे के लाया, क्योंकि बैटरी हैवी नहीं है तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे लगा। तो वही चीज़ हुआ, मेरे भाई का बैटरी बंद हो गया, चल नहीं रहा है। सो नाउ यू हैव टू राइड अ मैनुअल मोड, अब पैर से पैडल लगा लगा के पता लगेगा इसको कैसी फटती है। मैं तो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट पैडलिंग, सो मज़ा मेरा ही होगा। भाई साहब का पैडल मार मार के पूरा हाल हो रहा है, और अब तो अब हम पहुंच गए हैं हनुमान टेंपल। तो ये गेट है, और हमें साइकिल यहीं पार्क करना पड़ेगा साइड पे कहीं, तो चलिए। तो हम हनुमान मंदिर आ चुके हैं, दिस इज लुक्स लाइक सराउंडिंग एरिया, इट्स ऑल फॉर ऑफरिंग सम क्लोथ, सम पूजा स्टफ, आई ऑलरेडी बॉट इट समवन, सो लेट्स गो। काफ़ी दूर पे है हनुमान मंदिर, तो काफ़ी दूर है और पैदल चलना पड़ेगा। आई एम रेडी, आई होप माई ब्रदर इज रेडी। कितना किलोमीटर होगा भैया? इधर किलोमीटर है आधा घंटा।
यंगस्टर तो श्री राम का नाम लेके अब हम हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा था लेकिन थकावट उतना नहीं हुआ। धूप काफ़ी तेज है तो यहाँ से आप चलोगे तो काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखाई देगा हम्पी का, जो कि काफ़ी मेस्मराइजिंग है। तो आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो नारियल फोड़ने के बाद अब हम दर्शन के लिए तैयार हैं, और दर्शन से पहले यहाँ काफ़ी खूबसूरत व्यू है और छोटे छोटे आइडल लगाए हुए हैं बाहर, जो राम और लक्ष्मण और सीता के हैं। अब चलिए मंदिर के अंदर। बचपन से रामायण तो काफ़ी मैंने ज़्यादा देखा है, लेकिन आखिरकार आँखों से मैंने जो अभी जो दृश्य देखे हैं, जो पत्थर जो डूबते नहीं हैं पानी में राम सेतु के लिए जो यूज़ किया गया, वो देख के मैं हैरान हूँ। मंदिर के काफ़ी अच्छा दर्शन करने के बाद अब मैं पौराणिक कथा और रामायण के साथ और ज़्यादा जुड़ गया हूँ। तो मंदिर के दर्शन से पहले मैं इन वानर सेनाओं को कुछ प्रॉमिस किया था खाने पिलाने के लिए, तो वो खिलाना मेरा ज़रूरी था। तो दान काफ़ी ज़रूरी है, जितना हो सके आप दे सकें अच्छी बात है, क्योंकि हम जिंदगी में लेने के आदि हैं ना कि देने के आदि। तो ज़रूरी नहीं है दान आप ज़्यादा दें, जितना आप में इच्छा शक्ति है उतना आप दें। ज़्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, पता बनी बनी पंजी। हम्पी जैसे मैं पहुंचा, और हम्पी का जगह जो है काफ़ी मेस्मराइजिंग और ब्यूटीफुल है, लेकिन हम्पी में हम लोग ज़्यादातर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे सब स्पिरिचुअल एरिया है, स्पिरिचुअल प्लेस है। तो लोग यहाँ आके आरती करते हैं, शिवा की पूजा करते हैं, लिंगम की पूजा करते हैं। लेकिन द थिंग नेगेटिव साइड इसका है स्पिरिचुअलिटी, जो हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादातर इंडिविजुअल होते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या लेना है, और हम वो पूजा पाठ करके हम चले जाते हैं। तो नेक्स्ट थिंग हम पूजा, जो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हम लोग ऐसे छोड़ जाते हैं, जो हम लोग पानी में सुहा जो करते हैं तो ये गार्बेज हम छोड़ जाते हैं। तो ये जगह ऐसा होएगा, फूल फूल गिरा हुआ है यहाँ पे, सब जगह गार्बेज गिरा हुआ है। ये चीज़ हमको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा स्पिरिचुअल के, ये है नेगेटिव साइड। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गंदगी ना डालें, अगर जो भी वेस्टेज है वापस ले जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी स्पिरिचुअलिटी का असली अहमियत यही है मुझे लगता है।